का असर देख लीजिए आप, हर कोई अपने आप को पीके समझ रहा है। ये थोड़ा कम पीके आए हैं, ट्रांसमिस्टर के पीछे धोती भी है। जी भाई साहब कहाँ से आए आप? हम जीके हो। क्या है? जीके। जीके आलिया को ढूंढने आए? अरे नहीं, जनरल नॉलेज वाला जीके नहीं, हम पीके का दादा जीके हूँ। पीके का दादा जीके? हाँ। मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं जीके साहब? अरे हम अपने पोते को ढूंढने खातिर आए हैं। आपने किसी को, मेरे ख्याल से ध्यान से सुना नहीं कभी किसी बात नहीं, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, वो कभी अवार्ड फंक्शन में आते ही नहीं है। वो पीके काफी सक्सेस हो गई, कहीं पीके शायद एंजॉय कर रहे हो, आप गलत जगह पे आ गए। अरे नहीं नहीं जी, हमार गोले में शराब मिलती नहीं। आपके गोले में शराब नहीं मिलती? हाँ। आपका गोला गुजरात में पड़ता है? फिर बात बताइए सर, यह ये बात सच है कि आपके गोले में आप किसी का हाथ पकड़ के उसके मन की बात बता देते हैं? हाँ। अच्छा ऐसे मेरे मन में बताइए क्या चल रहा है। अच्छा बड़ा बदमाश हो, मनी मन ये सोच रहा हो कि जीके की पावर तोहरे पास आ जाए। आई अरे बाप रे, आप तो सच में बता सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है यार, थोड़ा आप मेरे को दे सकते हैं ये पावर? नहीं। आप एक काम कर सकते हैं मेरे लिए, यहाँ पे कुछ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं हमारे फिल्म स्टार, उनका हाथ पकड़ के आप बता सकते हैं उनमें मन में क्या चल रहा है उनके मन में? हाँ पक्का। ये काम हम कर सकते हैं। हाँ आइए मैं आपको लेके चलता हूँ उनके पास। सबसे पहले अक्षय पाजी के हाथ पकड़ के आपको बताना है इनके दिमाग में क्या चल रहा है। अक्षय पाजी यहाँ बैठे हुए हैं। आठ बजे हमारे डिनर का वक्त वो तो गुजर चुका, 9:30 बजे हम सोने जा रहा था वो भी मिस हो गया, सुबह 5 बजे ये एक्सरसाइज का टाइम वो नहीं मिस हो सकता। कोई बात नहीं पाजी, हम आपको 4 बजे यहीं से भेजेंगे, फंक्शन जल्दी खत्म कर देंगे हम लोग। ये पंदा है लेकिन है कमाल का सर, सबके ये हाथ पकड़ के बता देता है। अरे अनिल कपूर साहब वहां पे बैठे हैं, उनका हाथ पकड़ के बताएंगे उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये टाइगर श्रॉफ वाह, हमने से भी यंग दिख रहा है। सर टाइगर श्रॉफ को तो छोड़ दीजिए, वो तो सोनम से भी जूनियर है सर, ऐसे क्यों? पर सर आपकी पर्सनैलिटी और आपकी फिटनेस की दाद देनी पड़ेगी एक बार अनिल कपूर साहब के लिए, जोरदार तालियां। सोनम की पहली फिल्म आई थी तो मुझे यकीन ही नहीं था कि अनिल कपूर साहब की बेटी, मुझे लगा नहीं नहीं यार ऐसे कैसे, कजन डॉटर होंगी शायद, पर कमाल है सर कमाल है। आइए और भी हमारे स्टार्स हैं यहाँ पे, ये रितेश देशमुख बैठे हुए हैं, इनका हाथ पकड़ के बताएंगे जरा ये क्या चल रहा है इनके दिमाग में। मेरा पकड़ लीजिए, मैं पकड़िए, आप भी पकड़िए, सिग्नल पकड़ता है। हाँ मैं पकड़ गया। इनके दिमाग में चल रहा है 2 सूखे दूध के डिब्बे 3 डायपर। रितेश जिनेली आपको किस काम के लिए भेजती, आप यहाँ पे आगे अवार्ड फंक्शन में आगे बैठ जाते। इनको बहुत बहुत बधाई, ये पिता बने हैं, आपको दिल से शुभकामनाएं। जीके साहब आप किसी के दिल में कुछ भी चल रहा हो बता सकते हैं आप? हाँ ऋतिक यहाँ बैठे हुए हैं, उनके दिमाग में। हेलो माय सेल्फ प्रोड्यूसर रोहित करण एकता चोपड़ा। भाई साहब आप तो अपने आप में प्रोड्यूसर गिल्ड हैं, अब आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप वहां पे जाके बैठ जाइए। नहीं मैं बैठ नहीं सकता। क्यों, इंजेक्शन लगवा के आए? नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं जरा जल्दी में हूँ। क्या है कि मैं एक बहुत ही अच्छी और ब्यूटीफुल फिल्म बनाना चाहता हूँ जो कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दे, कम से कम 500 करोड़ कमाए। 500 करोड़? आप एक काम करो, आप ऋतिक रोशन को साइन कर लो। कहाँ है? अरे ऋतिक सर क्यों नहीं। अच्छा लेकिन एक बात बताइए जी, ये ऋतिक सर ज्यादा पैसे तो नहीं लेते ना? नहीं ज्यादा नहीं लेते, कभी कभी तरस आ जाए प्रोड्यूसर को दे भी देते हैं। ऐसा फालतू का सवाल पूछ रहे, कोई एक्टर बिना पैसे काम क्यों करेगा? और उनकी हाइट देखिए आपने, आपको तो कम से कम उनको 2 बार साइन करना पड़ेगा। एक बार यहाँ तक का कॉन्ट्रैक्ट अलग बनेगा, ये उसके नीचे वाला अलग बनेगा आपका। कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाई साहब मुझे 500 करोड़ कमाने हैं, 500 करोड़ लगाने नहीं है। भाई साहब मेरा बजट थोड़ा कम है। बजट कम है? हाँ। आपको देख के लग रहा है आपके माता पिता का बजट भी कम ही था थोड़ा। देखिए आप एक काम करिए, आप एक ऐसे हीरो हीरोइन को कास्ट कीजिए जिनका आपस में अफेयर चल रहा हो, पब्लिक को देखने में भी इंटरेस्ट होगा और भी मजे आएंगे, और चाहे तो आप वैनिटी भी एक ही दे देना उनको। फैंटास्टिक आइडिया यार, फैंटास्टिक। हाँ? यही करता हूँ। अच्छा भाई साहब जी, और एक छोटा सा काम कर दीजिए ना जी, देखिए ना कितनी फैंटास्टिक ब्यूटीफुल सेक्सी हीरोइंस बैठी हैं, इनमें से किसी एक को मेरी फिल्म के लिए साइन करवा दो ना यार। आपका दिमाग तो नहीं खराब है, ये पता कितनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं और कितनी मुश्किलों का सामना करके यहाँ तक पहुंची? जानता हूँ भाई साहब जानता हूँ,
मैं भी जब आया ना तो मुझे भी ट्रैफिक बहुत मिला, तीन चार मेटल डिटेक्टर से मैं भी गुजरा हूँ भाई। यार तुम अजीब इंसान हो, मेरी बात नहीं समझ रहे हो, ऐसे लगता है ये ढीठ किस्म के प्रोड्यूसर हैं, ये ऐसे मानेंगे नहीं। कौन सी हीरोइन साइन करना चाहते हैं बताइए मुझे, आइए ना। यहाँ पे एक से बढ़ के एक हीरोइन यहाँ पे बैठी हुई है, वो प्रियंका जी, प्रियंका चोपड़ा। चलिए ना ट्राई करने में, प्रियंका चोपड़ा साइन करनी है। वो जिस पेन से साइन करेंगे वो भी आपसे बड़ा होगा, आपको पता है। मैं आपको, हाउ आर यू प्रियंका, हाउ मैम, नाइस टू मीट यू एवरी टाइम। आप क्यों इतना तैयार होके आई हैं? ये अभी आपने इनको एक डायलॉग बोल के दिखाना है, भैंस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबरी करेगी। Please. और खड़े होके थोड़ा रोमांटिक वे में बोलना है आपको कि भैंस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबरी करेगी। भैंस, हाँ, भैंस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं करेगी, क्या करेगी? गोबरी करेगी। वाह वाह, फैंटास्टिक, डन डन। मेरा ऑडिशन गोबर की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा चाहिए थी आपने पर आपको ये पसंद आई? हाँ पसंद है, सारी दुनिया को पसंद आ रही, आपको अलग है। फोन लाइए, आपको इस सेक्सी अंदाज के लिए आपको ये फोन गिफ्ट दिया जाता है, वर्ल्ड का सबसे सेक्सी फोन, ये चेक कर सकते हैं आप, आपको दिया जाता है। वैसे तो आप इतनी अमीर हैं, अगर नहीं रखना तो मुझे दे दीजिए। थैंक्स कपिल, इट्स फॉर यू ओनली फ्रॉम माय साइड, कीप मिसिंग मी, आई ऑलवेज डू, माय प्लेजर। बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप, ये ऑरेंज कलर की ड्रेस नागपुर से बनवाई आपने? बहुत प्यारी लग रही हैं आप हमेशा की तरह, जीती रहें, खुश रहें, ऐसे ही तरक्की करती रहें। थैंक्स कपिल, थैंक यू प्रियंका, थैंक्स कपिल। कैन आई हैव अ माइक बैक प्लीज, यू आस्क मी फॉर इट कपिल। ओके प्रोड्यूसर साहब आइए, मैं आपको ये देखिए, श्रद्धा कपूर हैं यहाँ पे, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि एक आपको डायलॉग बोल के सुनाएं। हाँ। श्रद्धा खड़ी होकर बोलना आपको कि अगर मैं सफेद साड़ी पहन के लाल बिंदी लगा के निकलूं तो मां कसम एम्बुलेंस लगूंगी। बहुत अच्छी ड्रेस पहनी इन्होंने भी, इसलिए तो एम्बुलेंस ना। अगर मैं सफेद साड़ी पहनकर लाल बिंदी लगा लूं तो माँ कसम एम्बुलेंस लगेगी, तो माँ कसम एम्बुलेंस लगूंगी। ओहो हॉरर कॉमेडी, सुपर सुपर प्रोड्यूसर साहब, क्या बात है, एक बार श्रद्धा के लिए जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू। लीजा बैठी हुई है, मेरे को इसकी हिंदी बड़ी अच्छी लगती है। लीजा आपके लिए बड़ा ही शुद्ध हिंदी डायलॉग है, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। यू शुड ट्राई बेबी, कम ऑन Please, you should try at least one. You give me a dialogue to say. जिंदगी झंडवा, जिंदगी झंडवा, फिर भी घमंडवा, रंडवा बोल रही है, फिर भी घमंडवा, क्या बात है, everything is fantastic, मतलब जो भी आपने बोला, everything is fantastic. नहीं ये तो मैंने अपनी तरफ से बोला, ये बोलने की जरूरत नहीं थी। एक बार लीजा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। प्रोड्यूसर साहब आपको मैं एक से बढ़ के एक अभिनेत्री यहाँ पे मिलवाने वाला हूँ। अरे दीपू कहाँ गई, मैं आ नहीं रहा हूं, पता नहीं खिंचा चला आता, मेरी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं। दीपिका आपके लिए बड़ा ही रोमांटिक डायलॉग है, आप प्लीज खड़े होके बोलना है आपको, बड़ी अच्छी लग रही है, गीले गीले बाल, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। फोन मैं आपको दूंगा बकायदा, आप अपना नंबर दे दीजिए मुझे, मैं अपना दे देता हूँ, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीपिका आपने बड़ा ही रोमांटिक डायलॉग बोलना है कि मंगल का खून कोई लेमन सोडा नहीं जो थर से खोला और थर से पी गए। राजू सर प्लीज डायरेक्ट मी, राजू सर आप आ जाइए सर, आजकल पता नहीं सारे आप पे भरोसा कर रहे हैं, आइए। सर डायलॉग बड़ा सिंपल है, मैं तो मेरा प्यार भी बड़ा है दिलों दिल से, तो मैं ज्यादा मुश्किल काम दिया भी नहीं है, तो इतना सा डायलॉग है सर, आप प्लीज इनको बता दीजिए कैसे करना है। तो एड लग रहा है कोई कोल्ड ड्रिंक का। शत्रुघ्न सिन्हा साहब का पर्सनल कोल्ड ड्रिंक है जो हमेशा यूज करते हैं। मंगल का खून कोई लेमन सोडा नहीं, कोई लेमन सोडा नहीं जो थर से खोला और फर से पी गए, और फर से पी गए। इनके मुंह से थर और फर भी इतना रोमांटिक लगता है ना कि मेरा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। और कैसी हैं आप इनके साथ बैठे हुए हैं? क्यों बैठे हुए इतना करीब आप?
बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ भाई साहब, ये मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। एक मिनट बताइए, आप क्यों बैठे हुए उनके साथ? जनता जवाब जानना चाहती है। काला सूट हमारे पास भी, हम तो बैठे नहीं। ये लो, आप पहन लो। उतारिएगा मत, आपने डियो नहीं लगाया हुआ। पहले बताइए आप बैठे क्यों दीपिका के पास? ऐसा क्या किया जो दीपिका ने आपको अपने पास बैठने दिया? आई वॉन्ट नो मैम। आई डोंट नो मैम। इवन आई डोंट नो, तो मैं बैठ सकता हूँ। आ जाइए। अच्छा, आपको पता है आजकल हमारी जितनी भी अभिनेत्रियां हैं वो सब गाना गाने में बड़ा इंटरेस्ट रख रही हैं। दीपिका, आपके मुझसे कभी गाना नहीं? नहीं नहीं, मुझे पता आप नहीं गाएंगी, मैं आपके लिए गाना चाहता हूँ। गाऊं? Yes. पोज लो जरा। तेरे बिना जिंदगी से कोई। आप ओह नहीं करेंगे? मैं गाता नहीं, उनके लिए गाता। शिकवा तो नहीं? आप डिस्ट्रैक्ट कर रही मुझे। शिकवा नहीं। आप फिर बैठे हो, मुझे बड़े बुरे लग रहे हैं। फोन दीपिका, इसमें फोन तो है ही, मेरा नंबर भी है। यू कैन कॉल मी एनी टाइम, ऑलवेज देयर फॉर यू। स्टोर या नंबर? या आई हैव ऑलरेडी स्टोर। मैं तो जब ये असेंबल हो रहा था तभी घुस गया था फैक्ट्री में, मैंने कहा इसमें नंबर डाल के देना। सर, पीछे कृति बैठी हुई है। हाँ। आप उनसे कोई डायलॉग तो नहीं बुलवाना चाहते आप? हाँ, बुलवाएंगे ना। कृति, आप एक सेकंड आएंगे जरा बाहर? ये फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा। हाँ तो पहुंचेगी। पहुंचेगी, क्यों नहीं पहुंचेगी? अरे खड़े हो जाते हैं, उसमें क्या है। तो कृति आपके सामने खड़ी, आप क्या कुछ बुलवाना चाहते हैं कृति से? जिंदगी क्या है, झंडवा फिर भी घमंडवा, बोल दीजिए प्लीज। और इसको रोमांटिक वे में बोलना है आपको? प्लीज, आप बहुत दूर है एक्चुअली। मैं मेरे को बोल दीजिए। जिंदगी झंडवा और रोमांटिक वे में, फिर भी घमंडवा। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। थैंक यू कृति। थैंक यू। अच्छा, फिल्म तो आपकी रिलीज हो चुकी है, अभी भी टाइगर के साथ क्यों घूम रही है? इसलिए कि टाइगर बहुत कम रह गए दुनिया में। ये आपके लिए है वर्ल्ड का सेक्सीएस्ट फोन, फॉर द सेक्सीएस्ट लेडी। थैंक यू। शुक्रिया, जीती रहिए, खुश रहिए। परी तो मेरी ना बचपन की मतलब फ्रेंड है। परी, तुम्हें कैसा लगता है जब जब मुझसे मिलती हो? तुम्हारे दिल में कुछ ऐसा होता है कि साफ खुल के बताओ, कोई गुस्सा नहीं करेगा? मुझे गुस्सा अभी भी आ रहा है और हमेशा आता है। किस बात पे आता है? क्या सब तो ठीक चल रहा है? ठीक ही कर रहे हैं यार, वापस जा अमृतसर। अमृतसर क्यों जाऊं मैं? अमृतसर से मैं वापस जाने के लिए आया था। खुद तो सारी बहनें इंडस्ट्री में आ गई, हमें अमृतसर भेज रही हैं। वाह, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। सुनिए भाई साहब जी, अरे आप मेरे लिए हीरोइन सिलेक्ट करने आए हैं, आपने एंजॉय करने आए? मैं यार तो मैं करूँ ना, हीरोइन से बोला ना मेरे साथ रोमांस करें यार। रोमांटिक डायलॉग बोलना है? हाँ। दुबे जी थप्पड़ मारूंगा, दुबे का चौबे हो जाएगा। चलिए भागिए यहाँ से, टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम आप हमारा। भाई साहब, टाइम ना आपके पास है ना मेरे पास, टाइम ऐप का है। अच्छा, ये देखिए, ये ऐप की मदद से मैं घर जाऊंगा। अच्छा, ठीक है? हाँ चलो निकलो, टाइम पे निकल रहा हूँ। हाँ। लेकिन सुनो, इसमें से कुछ सिलेक्ट करके भेजना। मैं डेफिनेटली भेज दूंगा, कंफर्म कर देना। डेफिनेटली ऐसे थोड़े सिलेक्ट। बाय बाय, थैंक यू प्रोड्यूसर साहब। और अब बढ़ते हैं अगले अवार्ड की तरफ। अगला अवार्ड है, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो हेलो, आवाज तो आ रही है लेकिन आप है कहाँ? मैं यहाँ हूँ कपिल। हाय। अरे हाउ आर यू हैदर? वेरी गुड वेरी गुड। माइक ऑन रह गया शायद। हाँ, अरे अरे मेरा माइक ऑफ कर दो यार, किसने ऑन कर दिया पता नहीं। प्लीज स्विच ऑफ माई माइक। लगा के क्यों आते हैं? मैं एक्चुअली ऐसे अवार्ड शोज में मैं माइक लगा के ही आता हूँ वैसे। ये क्या बात हुई, आप कहीं होस्टिंग के इरादे से तो? अरे नहीं यार, ऐसा चांस ही नहीं मैं होस्ट करूंगा। मैं तो बिल्कुल होस्टिंग के इरादे से नहीं आया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लेडीज जेंटलमैन, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द वन एंड ओनली कपिल शर्मा। कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं वाह, मतलब मैं एक बात नहीं समझ में आया जी, कि आप एक तो माइक लगा के आए, ऊपर से आके सीधे सेंटर स्टेज पे आ गए, ऐसे क्यों? क्या है कपिल की, देखो क्योंकि मैं काफी सारे शोज होस्ट कर चुका हूँ और ये तुम्हारा पहला बार है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें तुम अभी भी इंप्रूव कर सकते हो। लाइक तुमने एक सवाल पूछा कि मैं सेंटर स्टेज में क्यों आया। हाँ, क्यों आया? क्या है कि सबसे अच्छी लाइटिंग सेंटर स्टेज में होती है। अच्छा, मेन कैमरा क्लोजअप वाला सेंटर स्टेज में होता है। ओके। और जितनी भी खूबसूरत लड़कियां हैं वो सेंटर स्टेज के सामने बैठी होती हैं, तुम पता नहीं वहां किन लोगों से बात कर रहे हो इतनी देर से।
मैं आपको इसलिए नीचे बैठे रहने के लिए बोल रहा था क्योंकि नीचे जो है वो माहौल अच्छा, ऊपर थोड़ी गर्मी ज्यादा है। हाँ, लेकिन मुझे गर्मी गर्मी बहुत अच्छी लगती है। लव गर्मी, आई जस्ट लव इट, इट्स माय फेवरेट थिंग। गर्मी अच्छी लगती है तो हैदर श्रीनगर में क्यों की थी, केरला में कर लेते। बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। क्या हुआ जब मैंने हैदर की, हम सबको ठंड लग गई, हमारी टांगे 2 महीने तक हिल विल नहीं रही थी, तो मुझे डॉक्टर ने कहा है कि मेरी अच्छी सेहत के लिए 6-8 महीने मुझे गर्म जगह में रहना चाहिए, तो इसलिए मैं स्टेज के ऊपर आ गया और कोई वजह नहीं थी। ओके, चलो ये अच्छा हुआ शाहिद आप आ गए। आपने इतने सारे अवार्ड फंक्शन होस्ट किए हैं जी, इतनी सारी फिल्में कर चुके हैं आप जी। मैं एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ, इस साल तो नहीं पर अगले साल ऐसे जैसे मेरी फिल्म आ रही है। आपकी फिल्म आ रही है, मतलब मैंने कमाल का काम किया उसमें। ओ माय गॉड। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर इन केस मुझे अवार्ड मिलता है जी, तो ये थैंक यू स्पीच कैसे देनी होती है? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। अच्छा, तो सबसे पहले आप स्टेज पर आएंगे। ओके, और उसके बाद लेफ्ट हाथ से आपको माइक अपनी तरफ खींचना है। ओके, और राइट वाला कहाँ है? राइट वाला तो अवार्ड पकड़े हुए ना। अच्छा, अवार्ड मिलने के बाद की बात। ओके, तो आप लेफ्ट माइक को अंदर लेंगे और उसके बाद ऐसे गला साफ कीजिए, भेजिए अपनी आवाज में, देन से थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स रियली रियली फैंटास्टिक टू बी हियर इन द मिडल ऑफ ऑल यू पीपल। उसके बाद अंग्रेजी में नहीं बोलना क्योंकि अंग्रेजी ज्यादा बोलोगे तो वो एडिट हो जाता है। Okay. उसके बाद हिंदी में बोलेंगे कि मैं शुक्रगुजार हूं अपने सारे को एक्टर्स का, मैं शुक्रगुजार हूं कश्मीर के लोगों का, मैं शुक्रगुजार हूँ ऑडियंस का, और सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ अपने डायरेक्टर विशाल भारद्वाज का। नहीं, लेकिन मेरे वाले तो अब्बास मस्तान है ना। हाँ, लेकिन क्या है, मैं तो थैंक यू स्पीच देकर आया हूँ, तो अब अपॉर्चुनिटी मिली है तो यहाँ स्पीच बोल देता हूँ, अवार्ड मिले ना मिले क्या पता, स्पीच तो बोल देनी चाहिए। मतलब अपना अपना देखो, अपना अपना देखिए।